जय माता दी। ग्रीन टीवी के नवरात्र विशेष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं स्मिता सिंह और वादे के मुताबिक फिर लेके आए हैं माँ के पांचवें स्वरूप पर चर्चा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्यों की जाती है पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा, माँ ने स्वरूप कब लिया, इस स्वरूप की पूजा करने से किस फल की प्राप्ति भक्तों को होती है, सब कुछ बताएंगे पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी धन्यवाद आपका। जी तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्यों की जाती है माँ के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा पांचवें दिन। और सबसे पहला सवाल यही कि क्यों पड़ा माँ का नाम स्कंद माता। पंडित जी, पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा होती है, माँ का नाम स्कंद माता क्यों पड़ा, इस स्वरूप को स्कंद माता क्यों कहा जाता है? जी देखिए, नवरात्र के पांचवें दिन की जो देवी है माता स्कंद माता है, पंचमम स्कंद माते थी, मतलब नवरात्र की जो पांचवें दिन की अधिष्ठात्री देवी जगदम्बा है वो स्कंद माता है। माता स्कंद माता इसलिए कही गई क्योंकि जो भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय, वो इन्हीं माता के पुत्र हैं और उनका एक नाम स्कंद है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा गया। स्वामी कार्तिकेय के माता होने के कारण इसलिए संसार इन्हें स्कंद माता के नाम से जानता है। माँ के स्वरूप को स्कंद माता क्यों कहा जाता है ये आपने बता दिया, माँ का ये स्वरूप देखने में कैसा लगता है? देखिए, माता का ये स्वरूप देखने में कैसा लगता है, इस शास्त्र ने एक श्लोक बद्ध तरीके से उनके स्वरूप का वर्णन कर दिया है। श्लोक इस प्रकार है, सिंहासन गता नित्य पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नवरात्र की पांचवी शक्ति माता स्कंद माता की गोद में स्कंद कुमार बैठे हुए हैं, मतलब कार्तिकेय बैठे हुए हैं। इनकी चार भुजाएं हैं, ये दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ से नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प पकड़े हुए हैं। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें भी कमल पुष्प माता ने धारण किया हुआ है। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है, ये कमल के आसन पर सदैव विराजमान रहती हैं, इसी कारण ये पद्मासना है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र में पाँचवें दिन इन्हीं स्कंद माता का पूजा करिए, निश्चित रूप से ऐसे लोग जिन्हें संतान का सुख नहीं है या जिनकी संतानें सही रास्ते पे नहीं है, ठीक मार्ग पे नहीं है, आप यकीन जानिए नवरात्र के पांचवें दिन माता स्कंद माता की पूजा करने से संतान आपके सही मार्ग पे रहेगा और जो लोग अभी तक जीवन में संतान का सुख नहीं प्राप्त कर सके हैं वो अवश्य संतान का सुख माता स्कंद माता की कृपा से प्राप्त करेंगे। माँ ने ये स्वरूप कब धारण किया, जैसे हर स्वरूप के बारे में आपने बताया कि कौन सा स्वरूप माँ ने कब लिया, स्कंद माता का स्वरूप माँ ने कब धारण किया? देखिए, माता स्कंद माता का यह स्वरूप कब बना इसके विषय में एक छोटी सी कथा बताता हूँ। एक समय संसार में तारकासुर नाम का राक्षस आया जिसने पूरे सृष्टि में तबाही मचा दी और चूंकि उसे ऐसा वर प्राप्त था कि इसका वध कठिन नहीं असंभव सा प्रतीत होता था। क्यों? क्योंकि उसका वध सिर्फ शिव पुत्र कर सकता था और शिव वैवाहिक जीवन से दूर थे, उनका कोई गृहस्थ का जीवन नहीं थे, सदैव योग समाधि में लीन रहते थे, इसलिए उसके वध की कोई जब युक्ति ना सूची तो देवताओं ने उनका विवाह माता गौरी अर्थात पार्वती से कराया और जब स्कंद को जन्म दिया, स्कंद कौन थे, कार्तिकेय थे, कार्तिकेय के जन्म के समय माता पार्वती ने स्कंद माता का स्वरूप धारण किया। आगे चल के वही कार्तिकेय कुमार देवताओं के सेनापति बने जिनका वाहन मयूर था, उनके पास अस्त्र शस्त्र दिव्य प्रकार के आयुध जो कि उन्हें देवता और अपने पिता भोलेनाथ तथा आदि देव इस सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु जी से प्राप्त हुए थे, उन्हीं अस्त्र शस्त्रों से उन्होंने तारकासुर का वध किया तथा सृष्टि में शांति और सौहार्द की स्थापना थी। तो कुल मिलाकर के देवताओं के कार्य के निमित्त हेतु माता ने स्कंद माता का स्वरूप धारण किया और अपने पुत्र स्कंद कुमार को, कार्तिकेय कुमार को इस योग्य बनाया, उन्होंने राक्षस तारकासुर का वध किया तथा इस सृष्टि से सदा के लिए आतंक का अंत किया।
तो आपको पंडित जी ने बताया कि माँ ने स्कंद माता का स्वरूप क्यों धारण किया, माँ को स्कंद माता क्यों कहा जाता है और माँ का ये स्वरूप देखने में कैसा लगता है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि माँ के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए और माँ के स्वरूप की पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है। बने रहिए हमारे साथ, जल्द मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका ग्रीन टीवी के नवरात्र विशेष में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं माँ के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता के बारे में। स्वरूप के बारे में पंडित जी ने आपको बताया और चलिए अब जानते हैं कि माँ के स्वरूप की पूजा आराधना की कैसे जाए। दिन का कौन सा समय ऐसा होता है जब आप इनकी पूजा कर सकते हैं? पंडित जी, माँ स्कंद माता की पूजा की विधि कोई विशेष होगी, समय उसके लिए कुछ अलग से होगा, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, स्कंद माता के पूजन का जो नियम क्रम है वो दुर्गा के पूजन में प्रयुक्त होने वाले समस्त नियमों के जैसा है। रही बात कि कब करनी चाहिए, तो सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त स्कंद माता की पूजा का या सायंकाल। इसके साथ साथ नवरात्र के दिन जब चल रहे हों, प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, उसमें भी पांचवें दिन, तो आप कभी भी कर सकते हो, अहर्निश आप पूजा कर सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पूरे अहोरात्र में जब आपको समय मिले, मन शुद्ध करके आप पूजन माँ का कर सकते हो। अब बात आती है माता स्कंद माता के विशेष पूजन कैसे किया जाए और साधक कैसे पूजा करें जिससे उनके समस्त फलों की प्राप्ति हो माता स्कंद माता के प्रसन्न होने से। इनकी उपासना नवरात्र पूजा के पांचवें दिन की जाती है, ये सब आप जानते हैं, पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। इस दिन, खास करके पांचवें दिन, साधक का मन जो है वह अब विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर जाता है, विशुद्धि चक्र में अवस्थित हो जाता है। शरीर में विशुद्धि चक्र कहाँ होता है ये समझ लेना बहुत आवश्यक है। विशुद्धि चक्र जहाँ से आवाज निकलती है, जिसे ओकल कार्ड कहा जाता है, उस ओकल कार्ड में विशुद्धि चक्र का स्थान होता है और यहीं से विशुद्धि चक्र का जागरण होता है। और विशुद्धि चक्र के जागरण के साथ साथ आपकी आवाज़ में शक्ति आती है, सामने वाला आपकी आवाज़ सुन के प्रभावित होता है, आपके वाणी में तेज बढ़ता है, ओ जाता है। और इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। मतलब जब कोई साधक, जब कोई मनुष्य अपने साधना के बल पे, अपनी पूजा के बल पे विशुद्ध चक्र पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसके पश्चात तमाम सांसारिक जो चित्तवृत्तियाँ हैं, जो उसको कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, जो कामना है, जो लालसा है, उस पर वह विजय प्राप्त कर लेता है और उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माइक बंधनों से मुक्त होकर के पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन हो जाता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए और जो योग्य साधक हैं वो अग्रसर होते भी हैं। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। देखिए, यह विशुद्धि चक्र के ऊपर संसार में अब तक केवल 2 या 4 साधक ही आगे गए हैं। क्यों? क्योंकि यह विशुद्धि चक्र को जरा ध्यान से देखिए कि विशुद्धि चक्र होता क्या है। विशुद्धि चक्र गले पे होता है और गले के पास कौन रहता है, जरा ध्यान दीजिए, गले पे सर्प रहता है। किसके? भगवान भोलेनाथ को। तो कहीं ना कहीं जब विशुद्धि चक्र के आप ऊपर जाते हैं तो उसे भय ज़्यादा होता है, उसके यह शरीर उसे सहायता नहीं करता है विशुद्धि चक्र के ऊपर जाने, क्योंकि यहाँ विष का स्थान है और विष हमेशा वाणी से ही निकलता है। कैसा विष? जब आप किसी को कटु वाणी कहते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, इससे बड़ा हलाहल इस संसार का कोई है ही नहीं। तो सबसे पहले आप विशुद्धि चक्र को तभी मजबूत कर सकते हैं, तभी जागृत कर सकते हैं, जब आप सबसे प्रेम का व्यवहार करें, अच्छे वाणी का प्रयोग करें, किसी को भी मन को ठेस पहुंचाने वाले, हृदय को कष्ट देने वाले शब्दों का प्रयोग न करें, कभी ऐसी बातों को आप न कहें जिसे सुन के किसी के मन में कटुता का अनुभव हो, किसी को आपसे दुख मिले, क्योंकि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार पुण्य जो है वो परोपकार है, दूसरे के ऊपर उपकार करना, दूसरे काम करना, और पाप क्या है? दूसरे को दुख देना। पर पीड़ा, जो दूसरे को दुख देते हैं वह सबसे बड़ा पाप है इस संसार का। इसलिए विशुद्धि चक्र के जागरण हेतु आप अपने मन को, चित्त को, वाणी को स्थिर करिए और सबके प्रति अच्छा सोचिए, अच्छा कहिए, निश्चित रूप से विशुद्धि चक्र का जागरण होगा। जब विशुद्धि चक्र का जागरण होगा तो उसका आनंद सिर्फ वही जान सकता है जिसका चक्र जागृत होता है, दूसरे को कहने या बताने इसका कोई लाभ नहीं है।
यानी सीधा सीधा अर्थ है, आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति का विशुद्धि चक्र कमजोर है। अगर उसकी वाणी कटु है, वो अच्छा नहीं बोलता, लोगों को दुख देता है अपनी वाणी से, तो आप सीधे सीधे अर्थ लगा सकते हैं कि उसका विशुद्धि चक्र कमजोर है। देखिए, विशुद्धि चक्र कमजोर होने के दो लक्षण हैं। पहला लक्षण है कि व्यक्ति का आवाज बहुत खराब होगा, मतलब यूं समझें कि वह या तो गूंगा भी हो सकता है, बोले तो रुक रुक के बोले। दूसरी बात है, जिसका विशुद्धि चक्र मान लीजिए ठीक तो है जन्म से, माँ के गर्भ से, लेकिन इस संसार में आकर के उसने गलत वृत्तियाँ धारण करके बात बात पर गाली गलौज करना, गंदे शब्दों का प्रयोग करना, सबको कष्ट पहुंचाना और हमेशा क्रोध के आवेश में भरे रहना, इस तरह के यदि लक्षण किसी मनुष्य में है तो समझना चाहिए कि इसका विशुद्धि चक्र खराब है, इसके मन में, इसके कंठ में जहर ही जहर भरा हुआ है और उसे माँ स्कंद माता के आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। बिल्कुल, माँ स्कंद माता की कृपा से विशुद्धि चक्र की शुद्धि होगी और व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छे शब्दों का प्रयोग करना आरम्भ कर देगा। यानी दर्शकों, अगर आप में से कोई दर्शक ऐसे हैं कि आपकी वाणी से किसी को दुख होता है, आप जो बोलते हैं वो किसी को पीड़ा देता है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आपका विशुद्धि चक्र जो है वो कमजोर है। उसके जागरण के लिए इस नवरात्र आप माँ स्कंद माता की पूजा करना पांचवें दिन कतई ना भूलें। और चलिए अब जान लेते हैं कि माँ स्कंद माता की पूजा से किस फल की प्राप्ति होती है। पंडित जी, स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को किस फल की प्राप्ति होती है? देखिए, माता स्कंद माता की पूजा करने से जो सबसे बड़ा इस संसार का सुख मिलता है वह संतान का सुख मिलता है, क्योंकि कहीं न कहीं यदि संतान की इच्छा है तो हर इंसान चाहता है कि उसका पुत्र बड़ा तेजस्वी हो, बड़ा वीर हो, बड़ा प्रतापी हो, क्योंकि ऐसी संतान किस काम की यदि वो माता पिता के यश को न बढ़ा सके, माता पिता की इच्छाओं को पूर्ण न कर सके, ऐसा पुत्र किसी काम का नहीं होता, ऐसा संतान, ऐसी कन्या किसी काम की नहीं जो परिवार कुल के मान सम्मान को न बढ़ा सके। इसलिए संतान तो चाहिए, लेकिन कैसी? यशस्वी, कीर्तिमान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, धनवान। तो जिन भी भक्तों को, जिन भी लोगों को ऐसी संतान की कामना हो या जिनकी जो चाहते हों कि उनकी संतान इस तरह से हों, उन्हें माता स्कंद माता की पूजा नवरात्र के पांचवें दिन अवश्य करनी चाहिए। ये तो सबसे बड़ी बात है, मोटी बात है। दूसरी बात क्या है, इस मृत्यु लोक में ही माता स्कंद माता के भक्तों को परम शक्ति और सुख का अनुभव होने लगता है, उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं में सुलभ हो जाता है, आसानी से खुल जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं में हो जाते हैं, जो कि शक्ति के देवता हैं। यह विशेषता केवल इन्हीं को ही प्राप्त है, अतः साधक को, भक्तों को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न होता है, पूरे चेहरे पे एक तेज होता है, स्वरूप के कांतिमान होता है, एक अलौकिक प्रभा मंडल, आभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव भक्त के चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है, उसका आभा मंडल बढ़ता रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता है, अतः सभी साधकों को, माँ के भक्तों को एकाग्र भाव से माता स्कंद माता को अपने मन में पवित्रता के साथ धारण करके उनके शरण में जाने की आवश्यकता है, उनके शरण में रहने की आवश्यकता है और जाना भी चाहिए। यह घोर भाव जो पूरा संसार है, जो दुखों से भरा हुआ है, इन दुखों से यदि मुक्ति चाहिए तो माँ स्कंद माता की जो पूजा है यह सबसे सुलभ मार्ग है और यह सबसे उत्तम मार्ग है। यहाँ पे इससे अच्छा कोई सरल दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए नवरात्र के 9 दिनों पे क्रमशः जो 9 दिनों की लगातार 9 देवियां हैं, उन देवियों को, उनके दिने को हिसाब से जैसे हम बता रहे हैं, आप उस तरह से माता की पूजा करिए, अर्चना करिए। 9 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छा परिवर्तन आ चुका होगा और आप जो चीज़ें बहुत कठिन समझते थे, आप इतने आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहेंगे कि पूरा संसार आपके कदमों में दिखाई देगा, क्योंकि यह माता की कृपा है। माता की कृपा से बड़ा पर्वत भी राई के समान दिखाई देता है। यकीन ना आए तो आप 9 दिन दीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था और क्यों कह रहा था। तो दर्शकों, पंडित जी ने आपको बताया कि अगर आपको सांसारिक कष्टों से, सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहिए तो नवरात्र के ये 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों की आप पूरे भक्ति भाव से आराधना करें, आपको अपने कष्टों से मुक्ति जरूर मिलेगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे राशि अनुसार माँ स्कंद माता को क्या करें अर्पित। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका ग्रीन टीवी के नवरात्र विशेष में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं माँ के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता के बारे में। बताया आपको पंडित जी ने स्कंद माता के स्वरूप के बारे में, पूजा विधि के बारे में, और इस स्वरूप की पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है, वो तमाम बातें पंडित जी ने आपको बताई। और चलिए अब जान लेते हैं कि राशि अनुसार आप माँ के पांचवें स्वरूप को क्या अर्पित कर सकते हैं। पंडित जी, राशियों के मुताबिक, 12 राशियों के मुताबिक लोग क्या अर्पित कर सकते हैं माँ के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता को? जी, मेष राशि के दर्शकों को बताऊं कि आप माता स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए अड़हुल के फूल समर्पित करें, वो भी लाल रंग के अड़हुल के फूल, क्योंकि माता को अड़हुल का फूल अति प्रिय है। इसके साथ साथ बताशा नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। ऋतु फल मतलब जो भी मौसम में फल आपको मिल जाए इस समय, वह फल भी आप माता स्कंद माता को समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ साथ इत्र चढ़ाना कतई ना भूलें, आप माता को सुगंधित इत्र चढ़ाएं। जिस तरह से आप माता को सुगंधित इत्र चढ़ाएंगे, उसी तरह से आपके जीवन में भी सुगंध भर जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी राशि, वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोग माता को शक्कर समर्पित करें नैवेद्य के रूप में। इसके साथ साथ चूड़ियाँ, ध्यान रखें चूड़ियाँ लाल व पीले रंग की होनी चाहिए। इसके साथ साथ 7 गुलाब के फूल, लाल गुलाब के फूल, वो भी देसी गुलाब, उसे सुगंध आती हो, वो माता के श्री चरणों में आपको समर्पित कर देना है। ऐसा करने से निश्चित रूप से माता स्कंद माता की कृपा आप सभी वृषभ राशि के दर्शकों पे पड़ेगी। अब बात करते हैं बुध की राशियाँ। बुध की राशियाँ कौन? मिथुन और कन्या। मिथुन व कन्या राशि के लोग माता स्कंद माता को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करें, और तो और आप साबूदाना और अक्षत तथा जो मौसम के फल मिले, ऋतु फल, ये तमाम सामग्री एक थाल में सजा करके माता के सम्मुख समर्पित कर दें, निवेदित कर दें। देखिए, बुध के लिए अगर आप हरे रंग की सामग्री प्रयोग करते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा, और ख़ास करके जो श्रृंगार की सामग्री है उसमें जो आप चूड़ियाँ प्रयोग करें, वो हरे रंग की चूड़ियों का ही प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क अर्थात चंद्रमा की राशि। चंद्रमा जल का प्रतिनिधित्व करता है, दूध का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए कर्क राशि के लोग माता स्कंद माता को खीर समर्पित करें, खीर नैवेद्य के रूप में चढ़ाएं। इसके साथ साथ काजल भी समर्पित करें, कज्जल कला, पान के पत्ते पे काजल लगा लें, उसे माता के श्री चरणों में आप चढ़ा दें। इसके साथ साथ लाल रंग का वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। लाल रंग के वस्त्र में कोई साड़ी हो, चुनरी हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप उसे माता के श्री चरणों में समर्पित कर दें। अब बात करते हैं सिंह राशि के लोग क्या चाहें माता को। सिंह राशि का राशि स्वामी सूर्य। सूर्य की प्रसन्नता के लिए माता का कृपा करना अति आवश्यक है, इसलिए आप माता स्कंद माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चुनरी के साथ साथ यदि आप एक बाई एक का पताका बनवा करके लाल रंग की माता को समर्पित करते हैं, तो यह आपके लिए इस वर्ष का सबसे कल्याणकारी और सबसे उत्तम प्रकार का कर्म होगा। अब बात करते हैं तुला राशि के लोगों के लिए। तुला राशि के लोग माता को दही समर्पित करें, दही का भोग लगाएं, मीठी दही, थोड़ा सा उसमें चीनी आप या गुड़ अवश्य डाल दें, वो माता को समर्पित करें। इसके साथ साथ मौसम के फल जो भी मिल जाए वो माता को आप अवश्य समर्पित करें। थोड़ा सा सिंदूर भी आपको चढ़ाना चाहिए। सिंदूर कैसे चढ़ाएं? सिंदूर याद रखें, आपको हाथ से नहीं चढ़ाना है, सिंदूर हमेशा पुष्प या पान के पत्ते से माता के श्री चरणों में समर्पित कर दें, माथे पर नहीं लगाना है, उनके चरणों में लगाना, उनके अंगूठे पर समर्पित करना है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लोग। वृश्चिक राशि के लोग क्या चढ़ाएं? वृश्चिक राशि के लोग कमल पुष्प समर्पित करें। कमल पुष्प भी कैसा कमल पुष्प? लाल रंग का कमल पुष्प। कमल पुष्प समर्पित माता के श्री चरणों पर आप कर दें। इसके साथ साथ बिंदी, बिंदी जो है माता को आप अवश्य चढ़ाएं, उसके साथ लाल रंग का वस्त्र और लाल चंदन, ये तीन चीज़ें आप माता को समर्पित करें। देखें माता की कृपा कटाक्ष आपके ऊपर अवश्य पड़ेगी। अब बात करते हैं मकर राशि और कुंभ राशि के लोगों की। मकर राशि और कुंभ राशि ये शनि की दो राशि हैं, इसलिए आप क्या समर्पित करें माता को, यह बहुत सावधानी से नोट कर लें। आप माता को उड़द की दाल की बना हुआ कोई सामग्री, उड़द की दाल की कोई सामग्री अपनी किचन में बना लें, और वो सामग्री आप माता को नैवेद्य के रूप में, प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में समर्पित करें। इसके साथ साथ थोड़ी सी साबुत हल्दी की गांठें, 7 हो 9 हो, इस प्रकार से विषम संख्या में ले जा करके माता के श्री चरणों में समर्पित कर दें।
अब बात करते हैं आखिरी दो राशियों की, धनु राशि व मीन राशि। ये दो राशियां देवगुरु बृहस्पति की राशियां हैं, इसलिए जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब हैं, छठे आठवें बारहवें विराजमान हैं, राहु से पीड़ित हैं, केतु से ग्रस्त हैं, या सूर्य के साथ आने पर अस्त हो गए हैं, या नीच राशि मकर राशि में बैठे हुए हैं, ऐसे लोग माता स्कंद माता को प्रसन्न अवश्य करें। इस नवरात्र के पावन पर्व पर जो मैं उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय आप अवश्य करें। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से माता स्कंद माता की कृपा से जो आपके दशानाथ देवगुरु बृहस्पति हैं और यदि खराब अवस्था में हैं, वो अच्छे फल देना आरंभ कर देंगे। क्या समर्पित करें उसे आप नोट कर लें, आप माता को देसी घी की बनी पूड़ी समर्पित करें। इसके साथ साथ पीले रंग की मिठाई, पीले रंग की मिठाई यदि मिल जाए तो अच्छी बात है, यदि नहीं मिलती है तो सफ़ेद पेड़ा हो, किसी रंग का पेड़ा हो, उसमें थोड़े से हल्दी का छिड़काव कर दें, पीसी हल्दी, और वो माता को आप समर्पित कर दें। इसके साथ साथ एक कमल गट्टे की माला भी आपको समर्पित करनी चाहिए। कमल गट्टा माता लक्ष्मी के लिए माना जाता है, लेकिन यदि आप स्कंद माता को समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में धन अर्थ की चिंता नहीं रह जाएगी। इसके साथ साथ आप माता को लाल रंग का वस्त्र भी समर्पित करें, और वस्त्र के साथ साथ एक चंदन की लकड़ी या चंदन घिस करके माता को आप समर्पित कर सकते हैं। जी, तो पंडित जी ने आपको बता दिया है कि 12 राशियों के मुताबिक नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंद माता को आप क्या अर्पित कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि तमाम चीजें अर्पित कर आप मां स्कंद माता का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे, बात करेंगे माँ के छठे स्वरूप के बारे में, बताएंगे आपको माँ कात्यायनी की महिमा, माँ कात्यायनी की पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इन सभी बातों पर कल चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी। जय माता की।